मेरे साथ ये पहली बार हुआ है ज़िंदगी में, लोगों ने बहुत प्यार दिया हमेशा, और पहली बार ऐसा कोई थ्रेट आया और कब कॉल आया हनी आपके पास? कॉल कब? एक सेकंड क्या आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार मौत से, इसको डर नहीं लगता, मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। फेमस रैपर हनी सिंह सुर्खियों में आ गए हैं क्योंकि उन पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हनी सिंह को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल खबर है कि हनी सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है और इसी सिलसिले में हनी सिंह शिकायत करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास पहुंचे हैं। इस बारे में हनी सिंह ने क्या कुछ बताया है सुनिए। गोल्डी बराड के नाम से वो लोग बोल रहे हैं और बाकी मैंने रिक्वेस्ट करी है सीपी साहब को कि मुझे सिक्योरिटी दे और इसको इन्वेस्टिगेट कराएं, तो कर रहे हैं हम रिलीज क्या कर रहे हैं। हनी क्या धमकी मिली है? बोला क्या फोन पे? क्या नहीं, उन्होंने अभी ज़्यादा सरने बना करा अभी बताने को, क्योंकि इन्वेस्टिगेट होना है सब कुछ, तो दे सेट की मीडिया में कुछ भी नहीं। आप क्या कुछ पैसों की डिमांड की है या क्या? डिस्क्लोज एनीथिंग, मैं सब कुछ कंसल्ट करके आप सबको जल्दी डरे हुए सब कुछ एविडेंसेस दिए हैं जो हमारे पास। हनी सिंह आपको फिलहाल डर लग रहा है क्योंकि इससे पहले कुछ और सिंगर्स को भी ऐसे धमकी मिली है? मेरे साथ ये पहली बार हुआ है जिंदगी में, लोगों ने बहुत प्यार दिया हमेशा और पहली बार ऐसा कोई थ्रेट आया और कब कॉल आया हनी आपके पास? कॉल कब? एक सेकंड क्या आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार मौत से, इसको डर नहीं लगता, मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। आपने सिक्योरिटी के लिए पुलिस और प्रशासन से क्या डिमांड कर रहे हैं आप? मैंने बस ये कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। कब आया आपने कॉल? कितने बजे? किस नंबर से? आपको इंडियन नंबर से विदेशी नंबर से? विदेशी नंबर से। वॉइस नोट भी आई है? कुछ वॉइस नोट्स आए और कॉल्स आए। क्या बोल रहे हैं? पैसे डिमांड कर रहा हूं, अभी मैं बताने पाऊंगा। आप सबसे आज तक कुछ नहीं छुपाया, आपको जल्दी बताएंगे। हनी सिंह को ये धमकी कनाडा में बैठे गोल्डी बराड गैंगस्टर ने दी है। ये धमकी हनी सिंह को एक वॉइस नोट के जरिए भेजी गई है जो हनी सिंह ने पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल हनी सिंह को जान से मारने की धमकी के चलते हनी सिंह खौफ में है। शिकायत पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बता दें कि गोल्डी बराड सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुख्य आरोपी है जो फिलहाल फरार चल रहा है। पुलिस गोल्डी की तलाश में है। हनी की शिकायत के मुताबिक उसकी लास्ट लोकेशन जो है वो कनाडा की पाई गई थी। गोल्डी बराड का असली नाम आपको बता दें यहाँ पर सतविंदर जीत सिंह है। गोल्डी लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीब था। गैंगस्टर कनाडा से ही पूरे गिरोह को चलाता है। गोल्डी ने हनी से पहले बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी थी। उसने साल 2023 मार्च में ही ईमेल भेजकर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी शिकायत सलमान खान ने भी पुलिस में दर्ज कराई थी, जिसके बाद सलमान खान की जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया था। बात करें हनी सिंह की तो कुछ वक्त पहले ही इंडस्ट्री में उन्होंने वापसी की है। दरअसल हनी सिंह ने डिप्रेशन के चलते इंडस्ट्री से ब्रेक लिया था और लगभग कई सालों के बाद 2005 में उन्होंने डेब्यू किया था और कई सालों के बाद उन्होंने अब फिर से कमबैक किया है। आपको बता दें इंडस्ट्री में कई हिट गाने हनी सिंह दे चुके हैं और एक जानी पहचानी वो है नाम इंडस्ट्री में इस रखते हैं। नशे की लत के चलते उन्होंने ये जो इंडस्ट्री है उससे ब्रेक लिया था। करीब 18 महीनों तक ब्रेक लेने के बाद हनी सिंह ने जब वापसी की तो उस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी मौत की अफवाहें भी उड़ती रही थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने वापसी की तो पता चला कि हनी सिंह दरअसल एक बीमारी के चलते इंडस्ट्री से ब्रेक ले रखे थे और उन्हें नशे की लत लग चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इंडस्ट्री से ब्रेक लिया था। फिलहाल हनी सिंह की जो धमकी दी गई है, हनी सिंह को जो धमकी दी गई है उसके चलते वो सुर्खियों में बने हुए हैं और पुलिस ने भी इसको लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।